बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 56, रेशियो टेस्ट के बारे में हमने पढ़ना है। रियल नंबर्स, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट इस क्या होता है, रेशियो टेस्ट की फॉर्म क्या होती है। रेशियो टेस्ट एग्जैक्टली होता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन ए के इंडिसेस में एन प्लस वन अवर ए एन का आप जब मॉड लेते हैं और हमारे पास कोई एल वैल्यू कोई लिमिट आती है तो हम कहते हैं कि ये एक रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट के लिए कंडीशंस होती हैं, वो चेक करेंगे। सबसे पहले इसका थ्योरम है कि समेशन साइन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी तक उसकी सम ऑफ द सीरीज़ जो है वो हमने उसको जीटा एन कहा है। मैंने आपको इससे अभी अभी एक कहा कि हम अगर ए एन ले लें कोई सीरीज़, ए एन का नाम दे दें तो वो भी हम रेशियो टेस्ट ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर उसने जीटा का नाम दिया, हम लिख लेते हैं जीटा एन इज़ अ कम्प्लेक्स सीरीज सच डैट के अभी अभी मैंने आपको बताया कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, ए एन प्लस वन अवर ए एन हो। तो यहाँ पर जीटा है तो जीटा एन प्लस वन अवर मॉड ऑफ जीटा एन और इक्वल टू एल। और सीरीज़ को हमने चेक करने कैसे करना है कि ये रेशियो टेस्ट को सेटिस्फाई कर रही है या कि नहीं। अगर हमारा जो आंसर है, हमारा रेशियो टेस्ट अप्लाई करने से आंसर जो एल आंसर आता है, अगर वो लेस देन वन आता है तो हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी, अगर वो ग्रेटर देन वन आता है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, और अगर एल इक्वल टू वन आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ना वो कन्वर्ज करती हैं ना वो डाइवर्ज करती हैं, ना हम उसकी कन्वर्जेंट के बारे में कुछ कह सकते हैं ना हम उसकी डाइवर्जेंट, यही बात लिखी हुई है इसमें। अब प्रूफ इज सिमिलर टू द केस ऑफ रियल सीरीज़, रियल सीरीज़ के लिए भी ऐसे ही बिल्कुल। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, शो डैट द सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। अब मैंने इसके ऊपर हमने लगाना है रेशियो टेस्ट लगाना है। मैं आपको इसको रेशियो टेस्ट से सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। अब हमारे पास यहाँ पर जीटा एन क्या है, वन माइनस आयोटा की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। रेशियो टेस्ट क्या कहता है, जीटा एन प्लस वन का मॉड ओवर जीटा एन का मॉड। तो जीटा एन प्लस वन, जहाँ जहाँ आपके पास एन है आप उसको एन प्लस वन बना देंगे। वन माइनस आयोटा की पावर एन है तो वन माइनस आयोटा की पावर एन प्लस वन बन जाएगा। नीचे एन फैक्टोरियल है तो एन प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा। अब डिवाइडेड बाई जीटा एन मॉड, मॉड ऑफ जीटा एन डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाई हमारे पास जो जीटा एन टर्म है वन माइनस आयोटा की पावर एन और एन एन फैक्टोरियल इसको जो है वो डिवाइड करती है। अब जब ये डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा एन फैक्टोरियल ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख लेंगे वन माइनस आयोटा की पावर एन प्लस वन और एन फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे क्या रह जाएगा जी, नीचे रह जाएगा हमारे पास एन प्लस वन फैक्टोरियल और वन माइनस आयोटा की पावर एन। मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ अभी कि ये किस तरह से करती है। अभी सोल्यूशन देखती है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। आपके पास क्वेश्चन था जीटा एन इक्वल टू वन माइनस आयोटा की पावर एन और एन फैक्टोरियल। फार्मूला मैंने लिखा मॉड ऑफ जीटा एन प्लस वन, एन प्लस वन जो है वो जीटा के इंडिसेस में है, नीचे है। जीटा एन लिखा, मॉड अवर मॉड ऑफ जीटा एन लिखा। अब जीटा एन प्लस वन मतलब कि आपने जो जीटा एन टर्म है उसके अंदर एन प्लस वन, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस वन से रिप्लेस कर दिया। वन माइनस आयोटा की पावर एन प्लस वन और नीचे एन फैक्टोरियल था तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जीटा एन था तो मैंने डिवाइड का साइन लगाया। वन माइन जीटा एन की टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया, जीटा एन की जो वैल्यूज थी। फिर जब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो एन फैक्टोरियल ऊपर चला गया और ऊपर वाली जो है वो डिनोमिनेटर ऊपर और नॉमिनेटर जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा, वन माइनस एयोटा की पावर एन प्लस वन था, एन प्लस वन था, मैंने एक दफ़ा वन माइनस एयोटा की पावर एन कर लिया और एक दफ़ा वन माइनस एयोटा की पावर वन कर लिया। एन प्लस वन की फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एयोटा की पावर एन वन माइनस एयोटा की पावर एन से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ मॉड वन माइनस एयोटा की पावर एन, वन माइनस एयोटा की पावर वन और नीचे आपके पास एन प्लस वन रह गया। अब आपके पास वन माइनस एयोटा में मॉड है तो हम मॉड को खोल लेते हैं। मॉड के लिए वन का भी स्केयर और इमेजिनरी वैल्यू का भी स्केयर, इमेजिनरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस वन का होल स्केयर। तो वन का स्केयर वन आ गया, माइनस वन का स्केयर वन आ गया, स्केयर रूट टू आ गया, स्केयर रूट टू बाय एन प्लस वन आ गया। जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी अंडर रूट स्केयर रूट टू अवर इन्फिनिटी प्लस वन हो जाएगा और वो इक्वल टू हमारे पास टोटल आंसर जीरो आ जाएगा। हमने अभी अभी पढ़ा था कि रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास आंसर जो है वो एल लेस देन
वन आता है, मतलब एल आपका ज़ीरो आया, और अगर ज़ीरो लेस देन वन आया तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती हैं। अगर एल ग्रेटर देन वन आए, एल क्या आया आपके पास, अगर मेरा हमारा यहाँ पर ज़ीरो आया, लेकिन अगर मेरा एल यहाँ पर टू आ जाता और टू जो है वो ग्रेटर देन वन था तो सीरीज़ डाइवर्ज कर जानी थी। अभी लेस देन वन आया तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर गई है, तो हमारी जो गिवन सीरीज़ है वो रेशियो टेस्ट के को यूज़ करते हुए कन्वर्ज हो गई है। यही आपका यहाँ पे टोटल सॉल्व हुआ है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आप देख लें। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, शो दैट द सीरीज़ जी माइनस, ये आपके पास सीरीज़ है और ये कन्वर्ज कर रही हैं ऑफ जी इन द डिस्क जी माइनस अयोटा का मॉड इज़ लेस देन वन। अगर हमारे पास उसका जी में से अयोटा को माइनस करें, उसका मॉड लें, अगर लेस देन टू आए तो वो कन्वर्ज कर रही हैं, अगर ग्रेटर देन टू आए तो वो डाइवर्ज कर रही हैं। ये आपके पास सीरीज़ है जी माइनस अयोटा की पावर एन टू एन, हमने इसको जीटा एन कह लिया। इसी तरह उसके ऊपर रेशियो टेस्ट लगाया, एन था तो एन प्लस वन से रिप्लेस कर दिया। इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, होप्स हो कि आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इधर तक जब सॉल्व हो गया, जी माइनस योटा की पावर एन जी और जी माइनस योटा की पावर वन कर दिया, टू की पावर एन ऊपर चला गया, नीचे डिवाइड हो रहा था, टू की पावर एन प्लस वन था, टू की पावर एन और टू कर दिया, और जी माइनस योटा की पावर एन कैंसिल करेंगे, जो जो कैंसिल होते हैं हमारे पास, बाकी जो बच गया वो जी माइनस योटा मॉड डबल टू बच गया। अब हमारे पास ये लिमिट आ गई है, हमारे पास क्या था, अगर लिमिट लेस देन वन हो तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है। जो लिमिट आई है हमने उसको लेस देन वन कर दिया, जब लेस देन वन किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर जो है मॉड ऑफ जी माइनस आयोटा का मॉड लेस देन टू आ रहा है। जब आंसर लेस देन आना था, जब जी माइनस आयोटा लेस देन टू था, तो हमें उसने कहा है कि सीरीज़ कन्वर्ज करेंगी, तो हमारी लेस देन टू आई है, सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। और उसके बाद अगर एल ग्रेटर देन वन के अकॉर्डिंग रखें तो सीरीज़ जो है वो टू जब इससे वन से जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो ग्रेटर देन टू होगा तो हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करने जाएंगी। दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रूट टेस्ट। रूट टेस्ट जैसे हम रेशियो टेस्ट फाइंड करते हैं, रेशियो टेस्ट का एक फार्मूला ए एन प्लस वन ओवर ए एन होल मॉड है, इसी तरह रूट टेस्ट का भी एक फार्मूला है। रूट टेस्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम इसकी इस पॉइंट पर आते हैं। रूट टेस्ट क्या होता है? रूट टेस्ट होता है आपके पास जीटा एन की पावर में वन ओवर एन होगा तो आप कहेंगे कि ये रूट टेस्ट है, और आपके पास लिमिट अप्लाई करने से आपका आंसर जो है वो एल आ रहा है। और इसके लिए सीरीज़ को हमने किस तरह से चेक करना है, उसी तरह अगर आपके पास एल की वैल्यू लेस देन वन आई तो कन्वर्ज, ग्रेटर देन वन आई तो वो डाइवर्ज, और अगर एल इक्वल टू वन आ गया तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। इसकी भी एग्जांपल आपको गिवन है, एग्जांपल चेक कर लेते हैं, लेकिन इसमें लिमिट सुप्रीमम की बात की गई है। पहले हम इसके पार्ट वन को जो है वो रीड आउट करते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूट टेस्ट को, रूट टेस्ट क्या लिखा हुआ है, और गोइंग टू डिस्कस वेरी पावरफुल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज़। किसी भी टेस्ट की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी हो तो हम रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट लगाते हैं। अब रेशियो टेस्ट हम डिस्कस कर लिए, अब हम रूट टेस्ट डिस्कस करने लगे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट सुप्रीमम फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के केस में हम लिमिट सुप्रीमम को के केस को डिस्कस करेंगे कि लिमिट सुप्रीमम फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पर अगर आपने किसी वैल्यू को चेक करना है कि वो रूट टेस्ट उस पर अप्लाई होता है कि नहीं, तो सबसे पहले हम उसकी लिमिट सुप्रीमम चेक करेंगे, फिर उसके ऊपर रूट टेस्ट लगाएंगे। वी विल जस्ट फोकस ऑन लिमिट सुप्रीमम, और सिंपली आप इसको लिमिट सुप बोल सकते हैं। अब आपके पास एक सीक्वेंस है, कंसीडर द सीक्वेंस विद टर्म 0.5, 1.5, 0.05 अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस 0.5 और 1.05 अभी भी आपकी सीक्वेंस जो है वो आनवर्ड जा रही है, मतलब आपका सीक्वेंस किधर लाया कर रहा है, ज़ीरो से वन के दरमियान में लाया कर रहा है। अब आपने इस सीक्वेंस का सबसे पहले आपने इसकी लिमिट बतानी है, फिर आपने इसका लिमिट सुप्रीमम बताना है। अब आपका सीक्वेंस जब आपकी वैल्यू लेस देन वन होती है तो सीरीज़ कन्वर्ज करती हैं। आपकी वैल्यूज ज़ीरो और वन के दरमियान में ओसिलेट कर रही हैं, 0.5, 1.5, 0.05, तो ज़ीरो और वन के दरमियान में आ रही हैं। रियल लाइन पर अगर हम इसको शो करें,
आपकी जो ये लिमिट है ये रियल लाइन पे शो की, 0 और 1 के दरमियान में लाई करिए। आपके पास ये यही वैल्यूज थी 0.5, 0.0, 1.5, 0.05, मतलब कि आपकी लिमिट 0 और 1 के दरमियान और 1 के आगे वाले कुछ 0.1.5 समथिंग लिखा हुआ है। अब हमने इसका लिमिट सुप्रीमम और लिमिट किस तरह से बतानी है, क्योंकि आपकी लिमिट्स अपवर्ड जो है वो जाती जा रही हैं, ऑनवर्ड जाती जा रही हैं। इस केस में जब आपकी सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट हो तो आप उसकी लिमिट नहीं बता सकते। हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है, वी कैन नॉट फाइंड अ लिमिट बट कैन फाइंड अ लिमिट सुप्रीमम। अगर आपके पास सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गया तो आप उसकी लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका लिमिट सुप्रीमम फाइंड कर सकते हैं। और लिमिट सुप्रीमम क्या होता है, लिमिट सुप्रीमम क्या है आपके पास, लिमिट सुप्रीमम होता है आपके पास अपर बाउंड। आपके पास सारी सीक्वेंस के अंदर से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी लिमिट सुप्रीमम होगी, क्योंकि अब 0 और 1 के दरमियान में हमारी जो है वो पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो वो 1 आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि इसका सुप्रीमम क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो वैसे ही अगर हम इसका देखें तो हमारे पास इसका 1 जो है वो इसका लिमिट इज़ द लिमिट सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस। इन फैक्ट 0 एंड 1 आर द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि सारी वैल्यू 0 और 1 में है, तो इसलिए 0 और 1 इसका लिमिट पॉइंट कह लेंगे और 1 इसका लिमिट सुप्रीमम हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एक्युमुलेशन पॉइंट, जिसको आप लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि कोई भी पॉइंट आपके रीड कर लेते हैं, अ पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड एक्युमुलेशन पॉइंट ऑफ अ सेट एस इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ एस। कि अगर आपके कोई भी सेट एस है और उसके डिलीटेड नेबरहुड में हमें एक पॉइंट जेड नॉट मिल रहा है, और वो जो डिलीटेड नेबरहुड है उसके अंदर आपको एक एस का पॉइंट मिल रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि ये आपके पास लिमिट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आपका कोई जेड जो है वो इसकी बाउंड्री पे एग्जिस्ट करता है, तो आप इसके इर्द गिर्द भी आपके पास जो है वो लिमिट पॉइंट आ सकते हैं, इसके बाहर भी आ सकते हैं, इसके अंदर भी आ सकते हैं। तो जो जेड आपको उस बाउंड्री पे मिलेगा आप वो कहेंगे कि ये इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक हो गया। इन अ गिवन सीक्वेंस 0 1 इज़ द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। हमें हमारे पास यहाँ पर 0 और 1 जो है वो लिमिट पॉइंट्स आएंगे आए थे। सुप्रीमम इन दिस केस इन दिस लिमिट सेट इज़ 1 एंड 1 इज़ द लिमिट सुप्रीमम ऑफ दिस केस। जो हमारे पास सुप्रीमम आया था वो 1 आया था, और जो लिमिट पॉइंट आया था वो 0 और 1 आया था। अब लिमिट सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या है, लेट टी एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, द लिमिट सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम। हम टी एन को सीक्वेंस ले रहे हैं, तो सुप्रीमम ऑफ टी एन इज द स्मॉलेस्ट रियल नंबर एल, वो सबसे छोटा रियल नंबर है एल। ये लिमिट सुप्रीमम टी एन सबसे छोटा रियल नंबर है एल, हैविंग द प्रॉपर्टी डैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देर आर मोस्टली फाइनाइटली मैनी टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब आपके पास इसके अंदर बहुत सी टर्म्स आ रही हैं, फाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, टर्म्स जो है वो फाइनाइट है, लेकिन आपके पास जो सुप्रीमम ऑफ टी एन है वो एक स्मॉलेस्ट रियल नंबर है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वैल्यू आ रही है एल, और आप की जो सुप्रीमम की डेफिनेशन को अकॉर्डिंग रख लें तो जो मॉड है या एक्स है वो लेस देन आर इक्वल टू एम होता है, और वो जो डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, आपके पास हमेशा जो मॉड है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो कह रहा है कि अगर हमारी वैल्यू उस लिमिट जो हमारे पास उसकी लिमिट आई है वो जैसे जैसे उसके ओरिजिन के करीब होती जाएगी या उस एप्सिलॉन की वैल्यू के करीब होती जाएगी, तो हम कहेंगे कि जो उसका सीक्वेंस है वो लार्जर देन है एल प्लस एप्सिलॉन से। क्या मतलब है कि आपका जो सुप्रीमम ऑफ टी एन है वो स्मॉलेस्ट रियल नंबर है। अगर आप उसको उसके अंदर पॉइंट्स को नोट आउट करें तो जो आपके पास एल और प्लस एप्सिलॉन करें वो वैल्यूज़ जो है वो देयर आर मोस्ट फाइनाइटली मैनी टर्म्स इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर आपको एल और एप्सिलॉन के दरमियान में बहुत सी टर्म्स मिलेंगी, लेकिन वो जो एल प्लस एप्सिलॉन होगा, लेकिन जो बहुत सी फाइनाइट मैनी टर्म्स मिलेंगी वो बड़ी होंगी एल प्लस एप्सिलॉन करने से। मतलब आपका एल बड़ा आएगा एल प्लस एप्सिलॉन से। इफ देयर इज़ नो सच एल, अगर आपके पास कोई एल लाई नहीं करता, कोई लिमिट नहीं आती है, तो आप कहेंगे कि हमारा जो लिमिट सुप्रीमम ऑफ टी एन है वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास उसने एक टी एन दे दिया, हमारी जो लिमिट्स हैं
वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के दरम्यान में ओसीलेट कर रही हैं, और ये एक डाइवर्जिंग सीक्वेंस है क्योंकि ये एक इनफाइनाइट जो है वो टर्म्स है, ऑनवर्ड जल्दी जा रही हैं, इज़ डाइवर्जिंग बिकॉज इट इज़ ओसीलेटिंग बिटवीन 1 2 एंड 3। किस तरह से अब इसका हमने लिमिट बताना है, बट वन वी कैन कैलकुलेट लिमिट सुप्रीमम, हम इसकी लिमिट सुप्रीमम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, अगर आप इसको ग्राफ पे शो करें 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 और 2 के दरम्यान में आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे, इसी 1.00 1.11 1.5 1.575 कह सकते हैं, तो 1 और 2 के दरमियान में आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे, इसी तरह 2 और 3 के दरमियान में बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे, और 3 के आगे आपको कोई पॉइंट्स उसने मार्क आउट नहीं किया कि हमारे पास आगे 4 आ रहा है, तो 3 के आगे आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे जो हमारा सुप्रीमम है इस केस में वो 3 है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक डाइवर्जिंग सीक्वेंस है और वो एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, आपका 1 2 3 4 5 6 8 ओसीलेट भी नहीं कर रहा है आपके पास सीक्वेंस, तो आप इस केस में आपका जो लिमिट सुप्रीमम आएगा वो TN जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। इस तरह रिलेशन बिटवीन लिमिट सुप्रीमम और लिमिट ऑफ सीक्वेंस के दरमियान क्या रिलेशन है, सीक्वेंस TN इज़ कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू M, TN जो है वो कन्वर्जेंट होता है, लिमिट TN जो है वो M के इक्वल आती है। इसी तरह जो आपके पास लिमिट सुप्रीमम ऑफ TN है वो भी जो है वो M के इक्वल आती है, कोई वैल्यू आपके पास आती है, जैसे हमारे पास L वैल्यू आती थी या हम कहते थे कि सुप्रीमम जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, इस तरह से। अब हमारे पास रूट टेस्ट का पार्ट 2 है जी। जैसे हमने रेशियो टेस्ट में जीटा वैल्यू ली थी और हमने जो है वो उसको यूज़ किया था एक एग्जांपल के अंदर और ए एन प्लस 1 ओवर ए एन किया था, इसी तरह हम अगर आपने रेशियो टेस्ट का जो है वो नहीं समझा तो आप पहले रेशियो टेस्ट ऊपर से समझ लें अच्छी तरह। अब रूट टेस्ट का क्या था, रूट टेस्ट का फार्मूला होता है ए एन की पावर में 1 ओवर n और उसका ए एन का मॉड। हम अब इधर जीटा वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो जीटा एन की पावर में 1 ओवर n, अब आपने इसकी सुप्रीमम बतानी है तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ जीटा एन की पावर में 1 ओवर n और वो इक्वल है एल के। वही कंडीशन है, अगर आपका सीरीज कन्वर्ज है तो वो लेस देन 1 है, अगर वो डाइवर्ज कर रही है मतलब कि आपकी वैल्यू एल जो है वो 1 से बड़ी आई है तो आपकी सीरीज डाइवर्ज कर रही है, और अगर 1 आ गया तो टेस्ट जो है वो फेल हो गया। अब आपके पास ये थ्योरम है, हमने इसको प्रूव करना है, सुप्रीमम ऑफ जीटा एन की पावर में 1 ओवर n एल के इक्वल है। हम पहला केस चेक कर लेते हैं कि आपका एल जो है वो लेस देन 1 है, मतलब आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करनी चाहिए, वी नीड टू शो सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली। अब हमने कोई वैल्यू ले ली कि हमारे पास एल और 1 के दरमियान में एक वैल्यू लाई करती है, डैट इज़ R, we can find R such that L less than R less than L, मतलब आपका R जो वैल्यू हमने कंसीडर की है वो L से बड़ी लेकिन 1 से छोटी है। बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुप्रीमम देयर आर फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस के अंदर बहुत सी टर्म्स आती हैं लेकिन वो L से बड़ी लेकिन L प्लस एप्सिलॉन से जो है वो छोटी होती थी, ये थी डेफिनेशन। अब वो हम कह रहे हैं फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जीटा एन की पावर 1 ओवर n में भी बहुत सी टर्म्स आएंगी लेकिन वो ग्रेटर देन होगी R से, जैसे ग्रेटर देन थी L प्लस एप्सिलॉन से, दैट इज़ द सम इंटीजर, उसके अंदर कोई इंटीजर लाई करेगा, n लाई करेगा। हमने कहा कि जो हमारा n है वो बड़ा है या बराबर है n से, मतलब कि n नेचुरल नंबर कह सकते हैं आप, या आपके पास कोई नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब जीटा n की पावर में 1 ओवर n है, हमने लेस देन r ले लिया, हमने कहा था कि हमारे पास l लेस देन 1 आना चाहिए, हमने उसको कंसीडर कर लिया कि वो लेस देन r है। जब आप इसके ऊपर से जीटा n की पावर 1 ओवर n को रिप्लेस करेंगे या आप इसके ऊपर अगेन पावर लेंगे दोनों साइड पर, जीटा एन की पावर 1 ओवर n के ऊपर अगेन पावर लें, एन एन से कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर में एन ले रहे हैं तो आर एन आ गया, तो आपके पास जीटा एन लेस देन आर की पावर एन आ गया फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन के लिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारी जो आर की आर वैल्यू है वो एल से छोटी लेकिन 1 के से बड़ी होगी, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। इसी तरह आपके पास रिकॉल करते हैं थ्योरम है, आपके पास मॉड ऑफ जी, अगर जब लेस देन 1 था तो जी की पावर एन में हमारा सीरीज कन्वर्ज कर रही थी, अगर मॉड ऑफ जी ग्रेटर देन 1 है जी की पावर माइनस एन में तो अब भी हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन उस केस में मॉड ऑफ जी ग्रेटर देन 1 था। हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है और वो कन्वर्ज कर रही है फंक्शन ऑफ जेड 1 ओवर 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड पे, आपके पास ये सीरीज़ है, ये हम इससे पहले देख चुके हैं, अगर
बड़ी वैल्यू आ जाती है तो वो डाइवर्ज करती हैं। उसी तरह जीटा एन था का मॉड था वो हमने अभी देखा कि वो लेस देन आ गया आर एन की। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, अगर हम कंपेरिजन टेस्ट करें, रेशियो टेस्ट देख लेते हैं, अगर हमारे पास एन जो है वो एन प्लस वन के इक्वल हो गया है तो क्या होगा, जीटा एन कन्वर्जेस एंड डज द फॉलोइंग, जीटा एन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी पर हम चेक करेंगे कि क्या होगा। अब हमने कहा कि हमारी सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस टू द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेंस, मतलब अगर आपके पास एन प्लस वन पर सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाएंगी, मतलब जीटा एन पे एन इक्वल टू जीरो पे भी सीरीज कन्वर्ज करेंगी, जब आपकी सीरीज एन इक्वल टू एन प्लस वन पे कन्वर्ज की जीटा, फिर आपकी सीरीज एन इक्वल टू जीरो से जीरो पे भी कन्वर्ज करेंगे। ज्यूम करते हैं कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ जीटा एन की पावर वन ओवर एन जो है वो एल है और एल आपका बड़ा आ गया है वन से, तो आपका जो सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर जाएंगी। इससे पहले हमने लेस देन वन के लिए किया था, सीरीज अगर एन प्लस वन पे कन्वर्ज हैं तो एन पे एन इक्वल टू जीरो पे भी कन्वर्ज हैं, अगर आपके पास वन से बड़ी आ गया तो सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर गई है। इस केस में आपके पास क्या है, वन लेस देन आर के, वन लेस देन है आर के, लेस देन है एल के। अभी हमने चेक किया था कि हमारे पास जो वैल्यू थी एल के दर एल और वन के दरमियान में कोई आर लाई कर रहा था, अब हमारे पास वन और एल के दरमियान में कोई आर लाई कर रहा है, आर वन से बड़ा लेकिन एल से छोटा है, तो इस केस में भी हम उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा आंसर जो है वो आर ग्रेटर देन वन के केस में जीटा एन जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आता, जब जीटा एन कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा तो हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर जाएंगी। हम इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से, हमारे पास ये जीटा एन है, उसने एग्जाम्पल दी हुई है, इसकी पावर में जब हम वन ओवर एन लेंगे तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट सुप्रीमम वन प्लस अयोटा ओवर टू हो जाएगा, वन ओवर टू प्लस अयोटा ओवर टू कर लेंगे, वन प्लस अयोटा ओवर टू मतलब वन टू से भी डिवाइड हो रहा है, अयोटा टू से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों के ऊपर मॉड ले लेंगे, वन ओवर टू का मॉड वन ओवर फोर, वन ओवर टू का स्केयर वन ओवर फोर, वन ओवर टू का स्केयर वन ओवर फोर हो जाएगा, आपके पास ये वन ओवर स्केयर रूट ऑफ टू आ जाएगा और हमारे पास आंसर आया 0.707। आपका आंसर वन से छोटा आया है, जब आपका आंसर वन से छोटा आया है तो सीरीज़ क्या होंगी, कन्वर्ज करेंगी। अगर आपका आंसर यहाँ पर वन आपका आंसर यहाँ पर टू आ जाता है तो सीरीज़ क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। ये आपके पास था रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट। इसके बाद हम पावर सीरीज़ फंक्शन करेंगे, टॉपिक नंबर 59। होप सो आपको जो है वो रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।